ये प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी लिक्विड को आप हीट करो, उसके वेपर्स बने, इसको सपोज कर लो हम हीट कर रहे हैं, इसके वेपर्स बन रहे हैं, इन वेपर्स का जो वेपर प्रेशर है जब वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, तब हम कहेंगे वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस टेम्परेचर को बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन हो जाएगी द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हर जगह अलग अलग होगा। हिल स्टेशन पर हम जाएंगे वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। फिर भी हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट हर जगह, अगर हम नैनीताल में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या बरेली में सॉल्व कर रहे हैं, हम 100 डिग्री सेल्सियस ही यूज करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, वो होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आपको बुक्स में टेबल दे रखी होती है बॉइलिंग पॉइंट की, वो जनरली बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, वो होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन हो जाएगी द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। हमारी दो डेफिनेशन क्लियर हो गई, एक बॉइलिंग पॉइंट की और एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है अब इसकी, हम क्या लिखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मींस इंक्रीज हो गया, इट मींस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ प्योर सॉल्वेंट then the boiling point of resulting solution increases. This increase in boiling point is known as elevation in boiling. Suppose कर लो T zero है boiling point, हम zero word ये suffix use कर रहे हैं solvent के लिए। T s this is boiling point of solution. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो दिस माइनस दिस इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी बी से। ये डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करें। अगर हम ग्राफ खींचे, ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टेम्परेचर केल्विन में, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया वेपर प्रेशर। ये जो लाइन है ये सपोज कर लो रिप्रेजेंट कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने सॉल्वेंट लिया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, हर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करा, तो एक ऐसी लाइन आई। ये जो हमने ग्राफ खींचा सॉल्वेंट के लिए, अब हमने उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया, डिजॉल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन हुआ उसका जब हमने ग्राफ खींचा तो ग्राफ बिल्कुल इसके पैरेलल आएगा और नीचे आएगा। अब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो ये आया निकल के, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये आया निकल के। इतना बड़ा दिस डिफरेंस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलेलिटी। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी।
90 का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे आप, दिस कांस्टेंट इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक दूसरा नाम होता है इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके दो नाम होंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जो मैंने आपको नोट्स सेंड करे हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर डेल्टा टीबी की वैल्यू 2 डिग्री सेल्सियस है, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं जब वो इसकी वैल्यू केल्विन में लिखते हैं तो वो लिखते हैं 273 प्लस 2 इक्वल टू 275, ऐसा नहीं है, डिफरेंस है। डिफरेंस केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो हमेशा क्या रहेगा इक्वल, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, डिग्री सेल्सियस है इसको जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 273 ऐड कर देंगे। सपोज कर लो कोई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड है 102 डिग्री सेल्सियस, अब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो 102 माइनस 100 यानी कितना आएगा 2 डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू केल्विन में निकालो 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन, इसकी वैल्यू निकालो 273 प्लस 100 टू इक्वल टू 375 केल्विन। अब आप इसका डिफरेंस निकालो 375 माइनस 373 इक्वल टू 2 केल्विन, तो जो डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में था वही डिफरेंस कायम आया निकल के केल्विन। केबी जो है हमारा वो है इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट या उसका दूसरा नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब हम उसका यूनिट ड्राइव करें, नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू केबी इनटू मोलैरिटी, यहां से केबी हो जाएगा अब इसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस ले लो या केल्विन ले लो एक ही बात है, बहुत ध्यान रखना। जनरली हम मोलैरिटी को स्मॉल एम लिख देते हैं, जैसे मोलैरिटी को कैपिटल एम लिख देते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल एम, नॉर्मैलिटी को कैपिटल एम। हो सकता है कोई स्टूडेंट इसकी वैल्यू केल्विन में ले ले और मोलैरिटी को ऐसे लिख दे, तो ये यूनिट भी सेम है ये यूनिट भी सेम है। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट इसकी वैल्यू तो डिग्री सेल्सियस में ले और वो इस मोलैरिटी के यूनिट को ओपन कर दे, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, तो ये यूनिट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स किलोग्राम, जो न्यूमेरिकल वैल्यू इस यूनिट में होगी वही न्यूमेरिकल वैल्यू इस यूनिट में होगी वही न्यूमेरिकल वैल्यू इस यूनिट में होगी। सपोज कर लो कोई बच्चा डेल्टा टीबी की वैल्यू केल्विन में ले तो क्या होगा केल्विन, और इस मोलैरिटी के यूनिट को ओपन कर दे यानी मोल पर किलोग्राम लिखे तो ये हो जाएगा मोल पर किलोग्राम, तो केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम। केबी के चार यूनिट हो गए, ये होगा ये होगा ये होगा या ये होगा और ये सारे आइडेंटिकल यूनिट है। अगर यहां पर केबी की वैल्यू किसी सॉल्वेंट की 5.1 है तो यहां पर भी 5.1 होगी, यहां पर भी 5.1 होगी, यहां पर भी 5.1 होगी, न्यूमेरिकल आएगा उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हर सॉल्वेंट का केबी अलग अलग गिविन होगा आपको, अगर सॉल्वेंट बेंजीन है तो बेंजीन का केबी गिविन होगा, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का केबी गिविन होगा। ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे, सेकंड वाली ये हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई सबको, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी थर्ड, दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर हम फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन अगर देखें, याद होगी आपको, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, सॉरी व्हेन अ सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड फेज, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड फेज, देन दिस टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड अपनी लिक्विड फेज के साथ में इक्विलिब्रियम में होगा उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। या आप रिवर्स कर सकते हो, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉलिड फेज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था डिप्रेशन मींस कम होना, इसका मतलब यह हुआ कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से कम होगा थोड़ा सा, डिप्रेशन इसीलिए वर्ड यूज करा गया है। तो डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ प्योर सॉल्वेंट देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस, दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज कर लो T0 फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, TS फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, अब कितना कम हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा सॉल्यूशन का कम होगा, तो दिस माइनस दिस T0 माइनस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TF से, T0 माइनस, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिल्कुल एलिवेशन की तरह, तो ये भी काय के प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाओगे, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, एक कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे KF, वेयर KF इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हर सॉल्वेंट का KF डिफरेंट होगा जो कि आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा, लर्न करने की जरूरत नहीं है। KFO मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यूनिट अगर हम निकालें KF का, अभी हमने कुछ देर पहले KB का यूनिट निकाला था, बिल्कुल सिमिलर स्टाइल में हम इसका यूनिट निकालेंगे। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर डेल्टा TF की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में भी 1 केल्विन ही होगी, ध्यान रखिएगा आप इस बात का। डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी, अब KF इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा TF अपॉन मोलैलिटी, बिल्कुल सिमिलर वे में इसका यूनिट केल्विन अपॉन मोलैलिटी को एम लिख दो या डिग्री
स्टाइल अलग अलग है। अब अगर हम कहें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिप्रेसर इन फ्रिजिंग पॉइंट को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये ग्राफ बनते आएगा। इस एक्सिस पे हमने लिया टेम्परेचर, इस एक्सिस पे लिया वेपर प्रेशर। किसी भी लिक्विड का हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। टेम्परेचर कम करते आएंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर सडनली कम हो जाए। इस टेम्परेचर के इस साइड में लिक्विड है और इधर सडनली क्या बन गया, सॉलिड। यानी ये वो पॉइंट है जिस पर उस लिक्विड उस कंपाउंड की लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। ये जो हमने ग्राफ लिया ये सॉल्वेंट का लिया, ये हो गया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रिजिंग पॉइंट, ये हो गया सॉल्वेंट का फ्रिजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का जब हमने ग्राफ खींचा जस्ट उसके पैरेलल और नीचे आएगा सॉल्यूशन का फ्रिजिंग पॉइंट। ये फ्रिजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का और ये फ्रिजिंग पॉइंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रिजिंग पॉइंट कम है इसलिए वर्ड यूज करा गया है डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट। आज हमने इस लेक्चर में आपकी दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। पहली हमने डिस्कस करी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड हमने डिस्कस करी डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट। असाइनमेंट मैंने आपको सेंड कर दिया है, उसमें से अब आप तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जो नहीं आए व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे बताओ, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा या मुझे कॉल भी कर सकते। आज का लेक्चर इतना ही।